समीकरण प्रश्नावली दो के बाकी क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, क्वेश्चन थ्री बताऊंगी। क्वेश्चन थ्री है, निम्न समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए। तो अभी हम इसमें दो विधि होती है, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। मैं आप लोगों को विलोपन विधि से सॉल्व करना बताऊंगी, दोनों विधि सिखाऊंगी, पर पहले विलोपन विधि सिखाएंगे, नेक्स्ट फिर मैं आगे आपको प्रतिस्थापन विधि भी सिखाऊंगी। विलोपन विधि से भी सॉल्व करेंगे। पहले देखिए, तीन एक्स जहाँ एक्स ऋण वाई बराबर ऋण एक और तीन एक्स ऋण दो वाई बराबर बारह। हमको क्या करना विलोपन विधि में, विलोपन का मतलब होता है कि किसी भी एक पद को यहाँ पर हमको विलोपित करना, विलोपित मतलब खत्म करना है, ठीक है, गायब करना है। तो हम इस तीन का गुणा पहले हम ये पहला पद है और इसके पहले पद के समान करेंगे, इसलिए तीन का गुणा हम समीकरण एक में करेंगे। तीन का गुणा समीकरण एक में करने पर, समीकरण एक में तीन का गुणा करने के लिए हम पहले कार्य के समीकरण एक और यहाँ पर तीन का गुणा कर देंगे। देखिए क्या आएगा, तीन एक्स ऋण तीन वाई, यहाँ पर तीन वाई बराबर तीन एकम तीन ऋण तीन। दोनों पक्षों में हमें तीन का गुणा करना है, एक पक्ष पक्ष में नहीं करेंगे। अब ये हो गया समीकरण तीन। समीकरण तीन से समीकरण दो को घटाएंगे, तो समीकरण तीन से समीकरण दो को घटा देगा। पहले हम समीकरण तीन उतारेंगे, तीन एक्स ऋण तीन वाई बराबर ऋण तीन, और फिर समीकरण दो उतारेंगे, तीन एक्स ऋण दो वाई बराबर बारह। जब हम घटाते हैं किसी समीकरण को तो नीचे वाले जो समीकरण होते हैं उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ धन का ऋण, ऋण का धन और यहाँ पर धन का ऋण कर दिया। क्यों होते हैं, क्योंकि हम घटाते हैं, घटाते हैं मतलब माइनस करते हैं, तो माइनस का गुणा नीचे वाली सभी संख्या में, माइनस का गुणा करेंगे तो साइन चेंज हो जाता। अब देखिए, एक धन एक ऋण समान संख्या, ये कट गया। अब यहाँ पर तीन वाई में से दो वाई माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस साइन बड़ी संख्या के सामने वाला, तो माइनस वाई बराबर बारह तीन पंद्रह ऋण पंद्रह। तो माइनस माइनस कर दिया, हमारे पास आया वाई बराबर पंद्रह। अब हमको आगे फिर मान निकालना है, तो हम समीकरण एक में वाई का मान रख देते हैं। समीकरण एक में y का मान रखने पर, समीकरण एक है x ऋण y बराबर ऋण एक, इसमें y का मान रखेंगे पंद्रह, x ऋण y की जगह पंद्रह रखा बराबर ऋण एक, x बराबर ऋण एक पंद्रह को पक्षांतर किया तो धन पंद्रह हो गया, तो x बराबर चौदह। ये हो गया x स्क्वायर टू 14 और y स्क्वायर टू 15। ये कैसा हल है, अद्वितीय हल है, मतलब इस समीकरण में x और y के एक ही मान होंगे, अद्वितीय हल। नेक्स्ट मैं सेकेंड क्वेश्चन बताऊंगी। आप अवनी कोचिंग कवर्धा में सब्सक्राइब करिए और सभी वीडियो देखने के लिए अवनी कोचिंग कवर्धा को सर्च करिए। सेकेंड क्वेश्चन है, x ऋण दो वाई बराबर पांच, अब दो एक्स ऋण चार वाई बराबर छह। विलोपन विधि सभी में एक साथ करना है, इसमें दो का गुणा समीकरण एक में, दो का गुणा समीकरण एक में करने पर, समीकरण एक पहले उतारेंगे, एक्स ऋण दो वाई बराबर पांच, इसमें दो का गुणा करेंगे, दो का गुणा दोनों पक्षों में, तो दो एक्स ऋण चार वाई, दो दूनी चार वाई बराबर दो पंचे दस। ये हुआ समीकरण तीन। अब क्या करना है, समीकरण तीन से समीकरण दो को घटाने पर, समीकरण तीन से समीकरण दो को घटाने पर, हमने समीकरण तीन लिखा दो एक्स ऋण चार वाई बराबर दस, और समीकरण दो लिखा दो एक्स ऋण चार वाई बराबर छह। घटाया तो
साइन चेंज हो जाएंगे। ये कट गया, देखिए ये भी समान है, ये भी कट गया। यहाँ पर बचा 10 में से 6 माइनस हुआ तो 4। अब हम देखते हैं एक्स और वाई तो बचा ही नहीं, तो क्या मान निकालेंगे हम? तो जिसमें एक्स और वाई दोनों समाप्त हो गए हैं और इस तरफ एक संख्या भी बच रही है, तो ये कहलाता है हमारा समांतर रेखाएं कोई हल नहीं, इन समीकरणों का कोई हल नहीं है, अर्थात हम एक्स और वाई का मान इसमें नहीं निकाल सकते। आप क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 है, एक्स धन वाई बराबर 6 और एक्स बराबर वाई धन 2। ये समीकरण है, समीकरण 2 देखिए हमारा, ये एक्स धन वाई बराबर 6 है और एक्स बराबर वाई धन 2, तो हम इसको इस तरह से परिवर्तित करने के लिए वाई का पक्षांतर यहाँ कर देंगे, तो एक्स ऋण वाई बराबर 2 इसे लेंगे समीकरण 2। अब देखिए दोनों समीकरण में पहला पद तो पहले से ही समान है, हम समान करने के लिए किसी संख्या का गुणा करते थे, पर ये पहले से समान है इसलिए हमको गुणा करने की जरूरत नहीं, तो हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 लिखेंगे पहले एक्स ऋण वाई बराबर 6 और समीकरण 2 एक्स ऋण वाई बराबर 2, घटा देते हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह बदल कर ये दोनों कट गया, ये आया 2y बराबर 6 में से हो गया 4, तो y बराबर 4/2 मतलब 2, तो y का मान आ गया हमारे पास 2। अब हम x का मान निकालने के लिए किसी भी समीकरण में y का मान रखेंगे, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर सारे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को देखते रहें और अधिक से अधिक